नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया विमल सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास पैंसठ लाख की डकैती माया राम ने एक नया सिगरेट सुलगाया और अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह डाली वक्त हो गया था वह यह बात पहले ही मालूम करके आया था कि कर्नैल सिंह की मेहता हाउस से किस वक्त छुट्टी होती थी मेहता हाउस लॉरेंस रोड पर स्थित एक विशाल चार मंजिला इमारत थी और उसमें वह बैंक स्थित था जिसके वॉल्ट पर डाका डालने के असंभव को सफल बनाने के सपने जिंदगी का आखिरी दाव था उसमें घिस मतलब घिस कर ही होने वाली थी मायाराम मायाराम बाबा एक बड़ा प्रसिद्ध तिजोरी तोड़ था किसी भी प्रकार की तिजोरी खोल लेने की उसकी अद्भुत क्षमता की वजह से अपने हम पेशा लोगों में और पुलिस वालों में वह उस्ताद के नाम से जाना जाता था अब तक वह पांच बार जेल की हवा खा चुका था उसकी पिछली सजा जिसे भुगतकर वह कोई साढ़े तीन साल पहले जेल से निकला था सात साल की थी और वह उसका जेल में गुजरा सबसे लंबा वक्त था उस सजा ने काफ़ी हद तक उसके कस ढीले कर दिए थे पैंतालीस साल की उसकी उम्र हो चुकी थी और वह खूब जानता था कि अगर वह फिर पुलिस की गिरफ्त में आ गया तो वह उसकी आखिरी जेल यात्रा होगी अगली बार जेल से वह नहीं उसकी लाश बाहर आएगी इस ख्याल से ही मायाराम के शरीर में झुरझुरी दौड़ जाती थी पिछले साढ़े तीन सालों में वह हर क्षण एक ही बात सोचता रहता था कि किसी प्रकार वह कोई तगड़ा हाथ मारने में कामयाब हो जाए और फिर जिंदगी भर चैन की बंसी बजाए साढ़े साल के लंबे इंतजार के बाद अब वह उस योजना पर काम करने की स्थिति में आ गया था जो उसके दिमाग में जेल से छूटने से भी पहले से पनप रही थी लेकिन पुलिस की उस पर कड़ी निगरानी की वजह से जिस पर अमल करना आज से पहले संभव नहीं था उस योजना की सफलता असफलता पर उसकी आने वाली पूरी जिंदगी का दारोमदार था नहीं इस बार वह कोई गड़बड़ नहीं होने देगा इस बार वह अनाड़ी और गैर जिम्मेदार लोगों से वास्ता नहीं रखेगा इस बार वह ऐसी नौबत नहीं आने देगा जिसकी वजह से उसे जेल यात्रा करनी पड़े इस बार वह एक एक कदम फोक फूंक कर रखेगा इस बार किसी के अधीन काम नहीं करेगा इस बार किसी अन्य अकल के अंधे की गलती का खामियाजा वह नहीं भुगतेगा अपनी वर्तमान योजना की सारी रूपरेखा उसने तैयार की थी और वह खुद अपनी निगरानी में उसे अंजाम देने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था माया राम की जिंदगी की ट्रेजेडी यह थी कि अगर वह पांच बार पुलिस की गिरफ्त में आया तो पांचों ही बार ऐसा उसके किसी अन्य मूर्ख गैर जिम्मेदार साथी की वजह से हुआ था अपने हिस्से के काम को उसने हर बार बड़ी दक्षता से अंजाम दिया था लेकिन योजना बनाने वाले उसके साथ ही कोई ऐसी हिमाकत कर चुके होते थे कि अभी माल हाथ भी ना आया होता कि पुलिस उनके सिर पर होती थी उसकी पिछली सात साल की सजा की भी यही कहानी थी उसने बड़ी दक्षता से बारूद लगाकर वॉल्ट का दरवाजा उड़ाने का इंतजाम कर लिया था लेकिन योजना बनाने वालों में से किसी ने इस बात की ओर ध्यान ही नहीं दिया था कि दरवाजे से किसी अलार्म बेल का भी संबंध हो सकता था परिणाम वही हुआ जो चार बार पहले भी हो चुका था जब तक वह संभल था, तब तक वह जेल में पहुंच चुका था वह उसकी अब तक की सबसे लंबी सजा थी इस बार उसने दृढ़ निश्चय किया था कि वह किसी अनाड़ी या ना तजुर्बेकार आदमी के साथ काम नहीं करेगा उसने बड़ी ही मेहनत से एक एक पहलू पर गौर करके डकैती की एक फुल प्रूफ योजना बनाई थी और उसमें फिट बैठने वाले उसके मतलब के लोग उसकी निगाह में थे तभी उसे बैंक की सीढ़ियों पर सिंह दिखाई दिया वह एक सफेद दाढ़ी वाला अपनी उम्र के लिहाज से बड़ी अच्छी सेहत वाला हट्टा कट्टा सरदार था वह उस समय भी सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी पहने था कुछ क्षण वह सीढ़ियों पर खड़ा अपने कुछ साथियों से बातें करता रहा फिर किसी दिलचस्प बात पर ठहाका लगाता हुआ उनसे अलग हुआ और सीढ़ियाँ उतरकर सड़क पर आ गया उसने एक रिक्शे वाले से बात की और उस पर सवार हो गया रिक्शा आगे बढ़ा माया राम ने सिगरेट फेंक दिया उसने अपनी साइकिल संभाली वह धीरे-धीरे साइकिल चलाता अपने और रिक्शा के बीच में थोड़ा फासला रख के रिक्शा के पीछे-पीछे चलने लगा कर्नल सिंह का रिक्शा रामबाग के सुहाने वातावरण के बीच से गुजरा उसने विक्टोरिया जुबली अस्पताल के समीप रेलवे क्रॉसिंग पार किया और आगे रामबाग गेट की भीड़ में शामिल हो गया रिक्शा मामूली रफ्तार से चल रहा था मायाराम को उसके पीछे लगे रहने में कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही थी पशम वाला बाजार की भीड़ से गुजरकर रिक्शा कटड़ा जयमल सिंह पहुंचा और फिर एक स्थान पर रुका मायाराम साइकिल से उतर गया कन्नेल सिंह ने रिक्शे वाले को पैसे दिए और एक संकरी गली में घुस गया मायाराम भी साइकिल ढेलता उसके पीछे गली में दाखिल हुआ सिंह गली के मध्य में स्थित एक दो मंजिले मकान के प्रवेश द्वार में घुसकर दृष्टि से ओझल हो गया माया राम एक क्षण रहा फिर आगे बढ़ा उस इमारत के पास आकर उसने उसकी चौखट पर लगा उसका नंबर देखा चार उसने साइकिल को दीवार के साथ लगाकर खड़ा किया और मकान के चबूतरे पर चढ़ा चौखट पर घंटी नहीं थी उसने संकल्प खटखटाई पहली मंजिल की एक खिड़की से सिर निकाल कर सिंह ने गली में झांका। कौन है वह बोला करनेल सिंह मायाराम सिर उठाकर बोला हाँ जरा नीचे आना मायाराम पंजाबी में बोला तुमसे एक बात करनी है करनैल सिंह का सिर खिड़की से गायब हो गया दरवाजा खुला चौखट पर करनेल सिंह प्रकट हुआ उसने माया को भीतर आने के लिए नहीं कहा कौन हो तुम उसने रूखे स्वर में पूछा मेरा नाम मायाराम है मायाराम बोला लोग मुझे उस्ताद के नाम से ज्यादा जानते हैं मैं नहीं जानता करतारे को तो जानते हो कौन करतारा करतार सिंह आलू वालिया करनैल सिंह संदिग्ध निगाह से उसे देखने लगा मुझे भीतर तो आने दो करनैल सिंह हिचकिचाता हुआ चौखट पर से हटा भीतर आने देने के नाम पर उसने इतना ही किया कि उसने माया को चबूतरे से हटकर कर में आ जाने दिया करतारा मर चुका है मायाराम धीमे स्वर में बोला कोई एक साल पहले जेल में उसका बोलोराम हो गया है इसलिए मैं यहाँ आया हूँ तुम जेल में उसके साथ थे हाँ जो कहना है जल्दी कहो मैं जेल के पंचियों से वास्ता नहीं रखता यहीं कहूँ हाँ कम से कम दरवाजा तो बंद कर लो करनेल सिंह ने आगे बढ़कर दरवाजा फिरका दिया करतारे से तुम्हारा एक सौदा हुआ था मायाराम बोला मैं सिर्फ इतना जानता चाहता हूँ कि क्या उस सौदे में तुम्हारी अभी भी दिलचस्पी है मैं तुम्हें नहीं जानता तो जानने की कोशिश करो करतारा मेरा दोस्त था हम दोनों ने इकट्ठे काम किया था करतारा कहता था तुम मेरी किस्म के बहुत लोगों को जानते हो तुम चाहो तो उनसे मेरे बारे में पूछताछ कर सकते हो माया बाबा को पंजाब का बच्चा बच्चा जानता है तुम्हें मालूम हो जाएगा कि उस्ताद करतारे से ज़्यादा भरोसे का आदमी है मैं शुक्रवार फिर आऊँगा तब तक मेरे बारे में जो तसल्ली करनी है कर छोड़ना फिलहाल मैं इतना जानना चाहता हूँ कि क्या उस सौदे में तुम्हारी अभी भी दिलचस्पी है मैं छः महीने में रिटायर होने वाला हूँ कर्नल सिंह अपनी दाढ़ी खुजलाता बोला छः महीने बहुत वक्त होता है लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला करने की ज़रूरत नहीं मैंने तुम्हें शुक्रवार तक का वक्त दिया है शुक्रवार इसी वक्त मैं फिर आऊँगा यहाँ भूल कर भी आना। कर्नैल सिंह तीव्र स्वर में बोला आए तो गिरफ्तार करवा दूंगा तुम्हारे जैसे लोगों से वास्ता रख कर मैंने मरना है जानते नहीं हो मेरी नौकरी कैसी है किसी को भनक भी पड़ गई कि तुम्हारे जैसे लोग मेरे घर पर आते हैं तो छोड़ो संपर्क स्थापित करने का कोई और तरीका बताओ फोन फोन करना कहाँ बैंक में खोत्ता यहाँ तुम्हारे पास फोन है नहीं पड़ोस में है कहना करनेल सिंह को बुला दो नंबर बताओ करनेल सिंह ने एक नंबर बताया माया राम ने एक पेंसिल निकाल कर उसे एक नोट पर लिख लिया ठीक है मैं शुक्रवार को फ़ोन करूँगा करनेल सिंह चुप रहा सच करनेल सिंह ने उत्तर न दिया माया राम दरवाजा खोलकर बाहर निकल आए करनेल सिंह ने उसके पीछे भड़ाक से दरवाज़ा बंद किया माया राम ने अपनी साइकिल संभाली और उसे ठेलता हुआ गली के दहाने की ओर चल दिया बाजार में आकर वह साइकिल पर सवार हुआ और वापस लौट पड़ा हॉल बाजार पर करके वह हॉल गेट से बाहर निकला और रेलवे के ओवर ब्रिज से होता हुआ जीटी रोड पहुंचा वहां स्टेशन के समीप वह होटल था जिसमें वह ठहरा हुआ था साइकिल उसने होटल की बगल में ही मौजूद एक साइकिलों की दुकान से किराए पर हासिल की थी उसने साइकिल वहां लौटाई और होटल पहुंचा रिसेप्शन से उसे मालूम हुआ कि उसकी गैर हाजिरी में तीन चार बार उसके लिए किसी करमचंद का फोन आ चुका था मायाराम अपने कमरे में जाने के स्थान पर वहीं रिसेप्शन के सामने पड़ी कुर्सियों में से एक पर बैठ गया उसने एक सिगरेट सुलगा लिया और बड़ी विचारपूर्ण मुद्रा बनाए बैठा उसके लंबे कष्ट लगाने लगा पाँच मिनट बाद रिसेप्शन काउंटर पर लगे टेलीफोन की घंटी बजी मायाराम ने आशापूर्ण निगाह से रिसेप्शन की ओर देखा रिसेप्शनिस्ट ने एक क्षण फोन सुना और उसे संकेत करके रिसीवर टेलीफोन के बगल में काउंटर पर रख दिया मायाराम ने सिगरेट फेंक दिया और काउंटर पर पहुंचा। उसने रिसीवर उठाकर कान से लगाया और बोला हेलो, उस्ताद जी दूसरी ओर से एक व्यग्र आवाज़ आई हाँ माया बोला उस्ताद जी मैं करमचंद बोल रहा बोलो पंछी उड़ने के लिए पर तोल रहा है अच्छा हाँ लगता है उसे हमारी भनक पड़ गई है तुमने लापरवाही बरती होगी नहीं उस्ताद जी हम तो लाप सिंह कहाँ है? उसकी निगरानी कर रहा है मैं उसे वहाँ छोड़ कर यहाँ टेलीफोन करने आया हूँ करमचंद माया तीव्र स्वर में बोला मैं फ़ौरन वहाँ आ रहा हूँ पंछी उड़ने ना पाए चाहे उसे रस्ते डालकर रोकना पड़े अगर वह उड़ गया तो तुम दोनों का गला काट दूंगा हौसला रखो उस्ताद जी ओ कित्ते नहीं ने रिसीवर रखा और झपट्टा हुआ होटल से बाहर निकल गया उसने पर्दे की ओर से सावधानी से बाहर झांका। कोठी के बाहर की सड़क के पार एक बिजली के खंभे के साथ टेक लगाए एक थुल थुल, थुल शरीर वाला भारी भरकम सरदार खड़ा था थोड़ी देर पहले उसने उसके साथ एक दुबले पतले नौजवान को भी देखा था लेकिन अब वह नौजवान सड़क पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था पिछले दो दिनों से वह नोट कर रहा था कि वह भारी भरकम सरदार या वह दुबला पतला नौजवान या दोनों हर क्षण कहीं दिखाई देते थे जिसके चार कारों के विशाल गैराज के ऊपर बने एक कमरे के एक पोर्शन में वह रहता था वह कोठी अजीत नगर में थी और अजीत नगर अमृतसर का अपेक्षाकृत नया इलाका था वहा बड़ी बड़ी खुली खुली कोठियां थी और वहाँ के लोगों का रहन सहन इतना आत्म केंद्रित था कि वहां पर रौनक चहल पहल नहीं थी जो कि ऐतिहासिक नगर अमृतसर के भीतरी भाग की घनी गलियों और बाजारों में थी। वहां आम कि इस कमी के कारण ही उसका ध्यान इतनी जल्दी उन दोनों आदमियों की ओर चला गया था वह खिड़की के पास से हटा और कमरे के विपरीत सिरे पर पहुंचा वहां बिछे पलंग के नीचे से उसने एक सूटकेस खींचकर बाहर निकाला उसने सूटकेस को पलंग पर रखकर खोला और उसके ऊपर का सारा सामान एक और सरकाकर नीचे से एक नीले रंग की घिसी हुई बेल बॉटम जीन्स उससे मैच करती वह जैकेट जिसकी पीठ पर मोटे मोटे अक्षरों में बैन बम लिखा था और कुत्ते के कानों जैसे कॉलरों वाली काले रंग की स्किन फिट कमीज निकाली सूटकेस की तलहटी को टटोल कर उसने एक मोटे शीशों वाला सुनहरी फ्रेम का चश्मा और एक गले में पहनने वाली जंजीर निकाली जिसमें एक कोई दो इंच व्यास का मेडल सा लटक रहा था जिस पर गुदा हुआ था मेक लव नॉट फॉर उसने अपने सिर से ड्राइवर की पीक कैप उतार कर एक और उछाल दी और अपनी ड्राइवर की वर्दी भी उतार दी थी उसके स्थान पर उसने अपने तब निकाले कपड़े पहने और गले में जंजीर डाली उसने अपनी आंखों की पुतलियों पर लगे कॉन्टैक्ट लेंसों को उतारा और उन्हें बड़ी सावधानी से किसी तरल पदार्थ से तीन चौथाई भरी उन दो शीशियों में डाला जिनके ढक्कनों पर लेफ्ट और राइट लिखा था और जो कॉन्टैक्ट लेस रखने के ही काम आती थी फिर उसने दोनों शीशियों को एक कागज़ में लपेट कर सूट में रख दिया उसने अपनी आंखों पर चश्मा लगाया अपने दिल्ली प्रवास के दिनों की शुरुआत में ही उसने चश्मा छोड़कर कॉन्टैक्ट लेस लगाने आरंभ कर दिए थे इतनी मुद्दत के बाद फिर से चश्मा लगाना उसे बड़ा अटपटासा लग रहा था लेकिन उसका ख्याल था कि उसके मौजूदा हिप्पी परिधान के साथ चश्मे का तालमेल ज़्यादा अच्छा बैठता था सिर पर टोपी और मुंह में पाइप लगा लेने के बाद शायद कोई ना पहचान पाता कि वह इलाहाबाद वाला सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल या मुंबई वाला विमल कुमार खन्ना या मद्रास वाला गिरीश माथुर या दिल्ली वाला बनवारी लाल टांगे था उसने बड़े नर्वस ढंग से दाएं हाथ से अपना चश्मा उतारा उसी हाथ की पीठ को अपनी आंखों से रगड़ा और दोबारा चश्मा अपनी नाक पर टिका दिया। उसने सूटकेस में से एक क्रिकेट के खिलाड़ियों जैसी टोपी निकालकर सिर पर पहन ली टोपी के अग्र भाग में एक वृत्त बना हुआ था जिसके भीतर धागे से कड़ा हुआ था पीस उसने पाइप निकालकर अपने दांतों में दबाया और अलमारी के एक पल्ले में लगे लंबे शीशे में अपनी सूरत देखी उसने संतुष्टिपूर्ण ढंग से सिर हिलाया उसका वह बहरूप अगर दिल्ली की 50 लाख की बैंक डकैती की गर्मा गर्मी की दौर में कामयाब हो सकता था तो उसे विश्वास था कि वह आज भी उसे दगा नहीं देने वाला था उसने सूट केस में अपना सामान पैक करना आरंभ कर दिया जब से इलाहाबाद वाला हादसा हुआ था तब से तकदीर ने उसे वह रंग दिखाए थे कि उसकी आत्मा त्राही त्राही कर उठी थी उसका पिछला एक साल अमृतसर में बड़े चैन से गुजरा था लेकिन अब बाहर मौजूद भारी भरकम सरदार और उसके दुबले पतले साथी की सूरत में फिर मुसीबत आ गई मालूम होती थी या तो वे दोनों किसी प्रकार उसी पहचान गए थे कि वह एक इश्तेहारी मुजरिम था और सरकारी इनाम के लालच में उसके पीछे पड़े हुए थे और या फिर कोई और चक्कर था जो उसकी समझ से बाहर था बहरहाल उसे वहाँ से खिसक जाना ही श्रेष्ठकर लग रहा था वहां वह लाला हवेली राम नामक एक करोड़पति सेठ का ड्राइवर रमेश कुमार शर्मा था लाला हवेली राम अपनी कड़क जवान निहायत खूबसूरत बेहद मदमाती हिसाब से कहने पहनने वाली हर क्षण सजी धजी रहने वाली नाजुक मिजाज बीवी के साथ अकेला रहता था दिल्ली और कलकत्ता में उसके कारखाने थे जहां उसे अक्सर जाना पड़ता था घर में दो नौकर और थे और खाना पकाने वाली मिसरानी थी जो दिन भर वहां रहती थी लेकिन रात को सुल्तानविंड रोड पर स्थित अपने घर चली जाती थी दोनों नौकर बूढ़े थे और लाला के पुराने कर्मचारी थे उन दोनों को कोठी के पिछवाड़े में क्वार्टर मिले हुए थे केवल वही गैराज के ऊपर के अपेक्षाकृत अच्छे और आरामदेह पोर्शन में रहता था लेकिन शायद उसकी जिंदगी में चैन और इत्मीनान नहीं लिखा था शायद उसकी किस्मत में एक आवारागर्द कुत्ते की तरह भटकना और दर-दर की ठोकरें खाना ही लिखा था धनकर्ता उसके मुंह से एक आ भारी मन से उसने सूटकेस बंद किया सेठानी पड़ोस में कहीं गई थी वह चाहता था कि वह उसके वापस आने से पहले ही कहीं फूट जाता उन दोनों में अनैतिक सही लेकिन जितना लगाव पैदा हो चुका था उससे ऐसा नहीं लगता था कि वह उसे आसानी से चला जाने देती वह फिर खिड़की के पास पहुंचा बाहर अब सरदार के साथ दूसरा दुबला पतला नौजवान भी मौजूद था वह खिड़की से हटा उसने अपना सूट के संभाला और किचन में दाखिल हो गया पिछवाड़े में एक बालकनी थी जो मुख्य इमारत से जुड़ी हुई थी और जिसमें किचन का एक दरवाजा खुलता था वह उस दरवाजे से निकल कर बालकनी में आया और उस पर चलता मुख्य इमारत में दाखिल हो गया एक लंबा गलियारा पार करके वह कोठी के पिछवाड़े में पहुंचा वहा कोठी की बाहरी दीवार के साथ लोहे की घुमावदार सीढ़ियां बनी हुई थी उन पर से उतर वह नीचे आ गया कोठी की पिछवाड़े की दीवार में एक छोटा सा दरवाजा था उसने उसे चुपचाप खोला और बाहर निकल गया वह ठिठका दरवाजे से थोड़ा परे खड़ा एक आदमी लापरवाही से सिगरेट के कश लगा रहा था उसकी उससे निगाह मिली उस आदमी के चेहरे पर कोई भाव ना आया वह बस सतूर सिगरेट के कश लगाता रहा उसने उस आदमी की ओर से पीठ फेर ली और विपरीत दिशा में आगे बढ़ा चले ओ भापा जी वह चौंका फिर ठिटका उसने घूम कर देखा सिगरेट वाले के चेहरे पर कोई भाव नहीं था तुमने मुझसे कुछ कहा जी हां आप ही से तो सिगरेट वालों के होटो पर एक मुस्कुराहट उभरी मैंने अर्ज किया था सरदार साहब की तशरीफ ले जा रहे हैं सरदार साहब वह होटो में बुदबुदाया तुम पागल तो नहीं हो मैं तुम्हें सरदार दिखाई देता हूं हाँ तुम मुझे सरदार दिखाई देते हो मेरे ज्ञान चक्षु तुम्हें सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल की सूरत में देख रहे हैं उसने एक गहरी सांस ली इधर आओ वह बोला सिगरेट वाला उसके सामने आ खड़ा हुआ वह अभी भी बड़े मैत्रीपूर्ण ढंग से मुस्कुरा रहा था कौन हो तुम तो? बंदे को मायाराम बाबा कहते हैं लेकिन लोग मुझे उस्ताद के नाम से ज़्यादा जानते हैं शायद तुम्हारे जैसे बड़े आदमी के कानों में कभी मेरा नाम पड़ा हो मैं बड़ा आदमी हूँ हमारे पेशे में तो तुम बड़े आदमी ही हो इतनी कम उम्र में इतनी होशियारी से इतने बड़े बड़े अपराध तो सारे भारत में किसी ने नहीं किए इलाहाबाद में एरिक जॉनसन में गबन वहाँ की जेल तोड़कर भागना मुंबई में लेडी शांता गोकुलदास का कत्ल मद्रास में पचपन लाख की डकैती दिल्ली में पचास लाख की सनसनीखेज बैंक वैन ड्रॉबरी यहाँ शायद तुम लाला हवेली राम के माल पर हाथ साफ करने की फिराक में हो तुम्हें गलत फहमी हुई है माया राम केवल मुस्कुराया अच्छा ठीक है मैं हूँ वह सब कुछ जो तुम मुझे साबित करने की कोशिश कर रहे हो फिर क्या यही बताना होगा और कहाँ जाना चाहते हो कोठी में वापस चलो भागने की कोशिश तो अब बेकार है भाग तो तुम पाओगे नहीं वह कुछ चंद सोचता रहा और फिर निर्णयात्मक स्वर में बोला चलो दोनों पिछवाड़ी के दरवाजे से वापस कोठी में दाखिल हो गए जो दो आदमी कोठी के सामने की ओर मौजूद हैं विमल बोला वे तुम्हारे साथी हैं हाँ लेकिन तुम्हारी निगरानी करने के मामले में बड़े नालायक साबित हुए कंजरों को पता नहीं था कि कोठी का पिछवाड़े में भी एक दरवाजा था मैं ऐन मौके पर न पहुंच गया होता तो तुम तो फूट ही गए थे वे कोठी की साइड से होते हुए सामने के भाग की ओर बढ़ रहे थे मुझे पहचाना कैसे उसने पूछा मेरी निगाह बहुत पैनी है माया राम गर्वपूर्ण स्वर में बोला वह तो हुई लेकिन तुम्हें क्या सपना आया था कि मैं अजीत नगर की इस कोठी में मौजूद था नहीं सपना नहीं आया था पिछले शुक्रवार मैंने तुम्हें दरबार साहब में देखा था इतफाक़ से ही मेरी तुम पर नज़र पड़ गई थी मैं भी वहाँ सुबह सवेरे मत्था टेकने गया था तुम पर निगाह पड़ते ही मैं समझ गया कि अब मेरे दिन फिरने वाले हैं मुझे न केवल एक काबिल साथी मिल गया था बल्कि मेरी एक दूसरी बहुत बड़ी समस्या भी हल हो गई थी क्या बताऊंगा, सब बताऊंगा। तब तक वे गैरेजों के सामने पहुंच गए थे तुम ऊपर चलो मैं अपने साथियों को बुलाकर लाता हूं। अच्छा मायाराम बाहर को चल दिया विमल सीढ़ियां चढ़कर वापस अपने कमरे में आ गया उसने अपना हैप्पी परिधान उतार कर में टांग दिया और फिर ड्राइवर वाली यूनिफॉर्म पहन ली उसने चश्मा और पाइप सूटकेस में रख दिए उसने सूटकेस से अपने कॉन्टैक्ट लेंस निकाल लिए जब वह उन्हें आँखों में फिट कर रहा था तो मायाराम और उसके दोनों साथी भीतर आए बैठो वह बोला तीनों पलंग पर बैठ गए लेंस लगा चुकने के बाद वह उनके सामने एक कुर्सी खींच बैठ गया उसने प्रश्न सूचक नेत्रों से माया की ओर देखा पहले मैं तुमसे अपने साथियों का परिचय करवा दूँ मायाराम बोला यह करमचंद है वह अपने दाएं बैठे दुबले पतले युवक की ओर संकेत करता बोला होशियार आदमी है कम उम्र है लेकिन हौसलामंद है मेरे साथ पहले भी काम कर चुका है और यह है। उसने अपने बाएं बैठे भारी भरकम सरदार की ओर संकेत किया सरदार लाभ सिंह मटर पनीर है मटर पनीर विमल हैरानी से बोला हाँ सरदार जब से पैदा हुआ है मटर पनीर का दीवाना है कोई दुनिया की बड़ी से बड़ी नियामत इसे पेश कर दे यह मटर पनीर की मांग जरूर करेगा पहली बार जेल में गया था तो वहां भी मटर पनीर की मांग करने लगा था शादी के बाद अपनी सरदारनी से इसने जो पहला सवाल किया था वह यही था कि उसे मटर पनीर बनाना आता था या नहीं यह पूरा बकरा खा जाए या आधा दर्जन मुर्गे चबा जाए लेकिन जब तक इसने मटर पनीर नहीं खाया तो समझ लो कुछ नहीं खाया हमारी जानकारी के दायरे में यह लाभ सिंह के नाम से कम और मटर पनीर के नाम से ज्यादा जाना जाता है मेरा लंगोटिया यार है हर स्याह सफेद काम हमने इकट्ठे किया है दो बार मेरे साथ जेल की हवा भी खाया है उसने लाभ सिंह मटर पनीर की तरफ देखा उसके अपनी आधी काली आधी सफेद दाढ़ी मोछ में छिपे होठों पर बड़ी मीठी मुस्कुराहट खेल रही थी सूरज से वह आदतन खुश मिजाज आदमी लगता था लेकिन साथ ही थोड़ा मंदबुद्धि भी मालूम होता था उसकी आंखों में लाल डोरे स्थायी रूप से खिंचे हुए थे जो कि अधिक शराब खोरी की पक्की निशानी थे साथ ही उसकी आंखों के नीचे लटक आई खाल की थैलियां भारी गाल मोटी तोंद भी इस बात की चुगली कर रही थी कि वह खूब खाने पीने का शौकीन आदमी था सिर पर पगड़ी उसने किसी तरह लपेट ही मालूम होती थी लगता था कि जैसे पगड़ी सिर से गिरकर खुल गई हो और उसने वैसे ही उठाकर वापस सिर पर रख ली हो उसके बाकी पहनावे से भी लापरवाही टपक रही थी उसके विपरीत करमचंद बड़ा सलीके और रखरखाव में विश्वास रखने वाला शख्स मालूम होता था वह खानदानी पंजाबियों के परंपरागत गोरे रंग और तीखे नयन नक्ष वाला युवक था और आधुनिक फैशन की पूरी वाक्यय तरकता मालूम होता था उसने एक तीस इंच पहुंचे की पतलून और एक ढीला ढाला पुलओवर पहना हुआ था उसके सुनील दर्से कटे बाल कंधों तक आते थे और उसने बहुत रगड़ कर शेव की मालूम होती थी उसके चेहरे से बुद्धिमता टपकती थी और वह कम से कम कोई पेशेवर अपराधी तो हरगिज नहीं मालूम होता था उन दोनों के विपरीत मायाराम बाबा वाकई उस्ताद लगता था किसी ने उसे ठीक ही चुनकर नाम दिया था वह सूरज से ही बड़ा काइया और घाट घाट का पानी पिया आदमी मालूम होता था हम लोग तुम्हें क्या कहकर पुकारे मायाराम ने पूछा सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल विमल कुमार खन्ना गिरीश माथुर बनवारी लाल रमेश कुमार शर्मा या कुछ और विमल विमल शुष्क स्वर में बोला ठीक है अब बताओ किस्सा क्या है मेरे दिमाग में एक योजना है मायाराम बोला मेरी आने वाली जिंदगी का बिगड़ना सवरना इसी योजना पर निर्भर करता है यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दाव है अगर मुझे मुनासिब मदद हासिल हो जाने की तसल्ली मिल जाए तो मैं इसकी कामयाबी की गारंटी कर सकता हूँ मैं चैलेंज के साथ कम से कम पचास लाख रुपए पर हाथ साफ करके दिखा सकता हूँ तुम्हारे हाथ साफ करने के लिए कहाँ रखा है पचास लाख रुपया विमल बोला भारत बैंक के लॉरेंस रोड पर स्थित हेड ऑफिस के वॉल्ट में तुम बैंक का वॉल्ट खोलने की फिराक में हो विमल हैरानी से बोला हाँ गारंटी के साथ उस वॉल्ट को सिर्फ मैं ही खोल सकता हूँ मेरे से बड़ा तिजोरी तोड़ तुम्हें सारे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा उसके स्वर में गर्व का पुट्ठा मैं हरनाम सिंह गरेवाल तक के साथ काम कर चुका हूँ। उसने भी मेरा लोहा माना था हरनाम सिंह गरेवाल का नाम विमल ने सुना था वह एक बहुत बड़ा दादा था कई खून कर चुका था लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया था एक बार मुकदमा चला भी था तो बाइज्जत बरी हो गया था स्मगलिंग डकैती मादक पदार्थों के व्यापार से लेकर औरतों की सप्लाई तक का हर काम वह करता था उसने अगर माया राम को किसी काबिल समझा था तो माया राम में जरूर ही कोई करामाती खूबी थी तो अपनी इस पचास लाख की योजना को भी तो तुम गरेवाल के पास ही क्यों नहीं ले जाते विमल ने पूछा नहीं ले जा सकता माया राम गहरी सांस लेकर बोला अगर मैंने उसके साथ यह काम किया तो बकरी तो वह ले जाएगा और मेरे हाथ आएगी बकरी की मेंगने उसके साथ मेरी स्थिति एक भागीदार जैसी नहीं होगी बल्कि वॉल्ट खोलने के लिए रखे गए एक किराए के आदमी जैसी होगी वह मुझे मूंगफली खरीदने जितने पैसे देकर सारा माल खुद डकार जाएगा जबकि वास्तव में यह काम तुम खुद करना चाहते हो विमल व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला तुम चाहते हो कि सारा माल डकारने का मौका तुम्हें मिले मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं वह पूरी संजीदगी से बोला सौरभ दी मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं है मैं केवल बीस लाख रुपए का हिस्सा चाहता हूँ बाकी का तीस लाख तुम चारों आपस में बराबर बांट सकते हो चारों हाँ एक आदमी और भी है पुतली घर में उसकी गाड़ियाँ रिपेयर करने की वर्कशॉप है डकैती में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी गैस के सिलेंडर एसी टीलिन टॉर्च वगैरह हमें उसी से हासिल होने वाली है ये सामान हम कहीं और से हासिल करेंगे तो हम पर शक किया जा सकता है कौन है वह आदमी उसका नाम गुणित है जल्दी ही मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा तुम बैंक के वॉल्ट को एस्टेलिन ट से गला कर खोलने की फिराक में हो हाँ उसे खोलने का और कोई तरीका नहीं उसके ताले का कम्बिनेशन ना हासिल किया जा सकता है और ना खुद कोशिश करके यानी कि तुक्के चला चला कर मालूम किया जा सकता है लेकिन वॉल्ट के दरवाजे तो पक्के लोहे के होते हैं और कई कई फुट मोटे होते हैं तुम इन बातों की चिंता मत करो मायाराम पूरे विश्वास के साथ बोला मैं उसे खोल सकता हूँ मुझे सिर्फ कुछ मददगार और थोड़ी अंदरूनी जानकारी चाहिए अंदरूनी जानकारी कैसे हासिल होगी तुम्हें बैंक के कर्नेल सिंह नाम के एक सिक्योरिटी गार्ड से वह भला कुछ क्यों बताएगा तुम्हें क्योंकि उसी दौलत का लालच है छः महीने बाद वह रिटायर होने वाला है उसके पास ना कोई आमदनी का और जरिया है और ना कोई जमा माल पानी उसे पैसे की जरूरत है पैसे के लालच में वह वॉल्ट से संबंधित तमाम अंदरूनी जानकारी हमें पेश देगा तुम्हें कैसे मालूम उसकी करतार सिंह आलूवालिया नाम के मेरे एक दोस्त से बात हुई थी करतारा मुझे जेल में मिला था उसी ने मुझे बताया था कि यह जानकारी बैंक के सिक्योरिटी गार्ड कर्नैल सिंह से खरीदी जा सकती है करतार सिंह आलूवालिया भी इस योजना में शामिल है नहीं वह तो मर चुका है इस योजना में केवल पाँच आदमी शामिल है पहला मैं मैं इसलिए क्योंकि योजना मेरी है और मैं ही उस वॉल्ट को खोलने की क्षमता रखता हूँ दूसरा लाभ सिंह लाभ सिंह इसलिए क्योंकि कोई एक आदमी ऐसी टिलिन टॉर्च के साथ लगातार पाँच छः घंटे काम नहीं कर सकता भयानक गर्मी की वजह से आधे पौने घंटे में ही आदमी की एकाग्रता में खलल पड़ने लगता है इसलिए उसे रिलीफ की ज़रूरत होती है मुझे रिलीफ देने के लिए लाभ सिंह को टॉर्च संभालनी होगी तीसरा करमचंद करमचंद इसलिए क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा हासिल किया हुआ है वॉल्ट की अलार्म बेल और सिग्नल वगैरह काटने के काम को कामयाबी से यही अंजाम दे सकता है विमल की आंखों में करमचंद के प्रति एक नए सम्मान का भाव प्रकट हुआ चौथा गुरान्दित्ता माया आगे बढ़ा गुरान्दित्ता इसलिए क्योंकि उसकी मोटर रिपेयर शॉप है और वहाँ से हमें इस्तेमाल के लिए गाड़ी और वाल्ट का दरवाजा गलाने का सामान बिना किसी का संदेह जगाए हासिल हो सकता है और पांचवे हो तुम तो, मुझे किस खूबी की वजह से चुना गया है वैसे तो तुम्हारे में हजार खूबियां हैं लेकिन जिस एक खास खूबी के लिए तुम्हें चुना गया है वह यह है कि तुम्हारे पास पैसा है क्या मतलब विमल अचकचाकर बोला मेरी योजना पर अमल करके पचास लाख रुपया हासिल करने से पहले एक लाख रुपया पल्ले होना जरूरी है क्यों क्योंकि करनेल सिंह से जानकारी सस्ते में हासिल नहीं होने वाली करतारे का अंदाज था कि वह कम से कम पचास हजार रुपये मांगेगा बाकी पैसा हमें गाड़ी गैस के सिलेंडर एसिटिलीन टॉर्च तथा अन्य ताम झाम जुटाने के लिए चाहिए पैसा हम में से किसी के पास भी नहीं है वह छोटी रकम हासिल करने के लिए डकैती से पहले कोई और छोटा मोटा हाथ मार लो विमल ने सुझाव दिया नहीं माया राम ने इन में सिर हिलाते हुए बड़ी संजीदगी से कहा मैं खतरा नहीं उठाना चाहता मैं नहीं चाहता कि बड़ा हाथ मारने की नौबत ही ना आए और मैं छोटा हाथ मारने की कोशिश में ही पुलिस द्वारा धर लिया जाऊं भापा जी यह मेरी ज़िंदगी का आखिरी दाव है और मैं अपनी सारी काबिलियत सारी शक्ति सारी होशियारी इसी एक दाव के लिए संजोकर रखना चाहता हूँ करतार सिंह आलूवालिया इसी चक्कर में जेल पहुंचा था उसने इसी योजना को फाइनेंस करने की नियत से पहले एक छोटा हाथ मारा था उसने रात को एक डिपार्टमेंट स्टोर का ताला तोड़कर चोरी करने की कोशिश की थी लेकिन रंगी हाथों पकड़ा गया था मर कैसे गया था उसकी मौत आई हुई थी इसलिए वह मर गया जब तकदीर की मार पड़ती है तो हर काम उल्टा हो जाता है जेल में एक रोज उसके पेट में भयंकर दर्द उठा डॉक्टर बोला पथरी है गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करना पड़ेगा ऑपरेशन हुआ तो करतारे का ऑपरेशन टेबल पर ही बोलोराम हो गया लेकिन गॉल ब्लेडर का ऑपरेशन तो मामूली होता है होता है लेकिन सरकारी अस्पताल में नहीं जेल की पंछी के लिए नहीं लापरवाह अलगर्ज बेलिहाज सरकारी डॉक्टर के लिए नहीं ओह और फिर हमें छोटा हाथ मारने की जरूरत क्या है तुम यह समझ लो कि हमने वह छोटा हाथ तुम्ही पर मारा है लेकिन तुमने यह कैसे सोच लिया कि पैसे मेरे पास है मजाक मत करो भापा जी तुम्हारे पास दिल्ली की बैंक वैन रॉबरी से हासिल हुआ पचास लाख रुपया है पहले तुम्हारी डकैती के साथियों ने तुम्हें फसवा दिया था और खुद माल के साथ भाग गए थे लेकिन तुम जेल से भाग निकले थे फिर तुमने एक एक करके अपने दगाबाज साथियों का सफाया भी कर दिया था और डकैती का सारा माल भी हथिया लिया था तुम्हें गलत फहमी हुई है तो फिर सारा माल कहा गया तुम्हारे साथी तो तुम्हारे हाथों साफ हो गए थे और माल पुलिस बरामद कर नहीं पाई थी माल तुम्हारे अलावा और किसी के पास हो ही नहीं सकता तुम्हारी मत मारी गई है अगर मेरे पास पचास लाख रुपए होते तो क्या मैं यहाँ बैठा लाला हवेली राम की ड्राइवरी कर रहा होता यह काम तुम पुलिस की निगाहों से छुपे रहने की नियत से कर रहे हो ना कि ड्राइवरी से हासिल होने वाली तनख्वाह की खातिर वजह तुमने ठीक सोची है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे पास पचास लाख रुपया है उस्ताद जी जरा अकल से काम लो तुम अभी खुद कह रहे थे कि मैं यहाँ से फूट रहा था क्या मैं अपना माल यहीं छोड़कर फूट रहा था तुम्हारे सामने मैं सिर्फ यह सूटकेस लेकर यहाँ से जा रहा था क्या इस सूटकेस में पचास लाख रुपए के नोट आ सकते हैं? तो यह थी अब तक की कहानी आगे की कहानी जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और हाँ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद